हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है। एक कम्युनिटी टैब पर मैंने क्वेश्चन भी इनपुट किया था तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया है। तो इंडेक्सिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। आइए चलिए इसको देखते हैं, कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर टाइप करता हूं कोड ब्लॉक्स, तो यहां देखिए कोड ब्लॉक्स आ गया है। अब इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब ये ओपन हो चुका है, यहां से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h ये लिख दिया हमने। और यहां पर मेन फंक्शन बना लेता हूं, ये मेन फंक्शन बना लिया हमने। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, यहां कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इंट टाइप का डेटा टाइप लेंगे, ए नाम का एरे ले रहा हूं, ए यानी एरे, और यहां साइज रखना हूं 3 और इसमें असाइन कर रहा हूं 1, 2, 3। ये तीन वैल्यूज मैंने असाइन कर ली, ठीक है। इसे टर्मिनेट कर दिया, यहां पर आएंगे प्रिंट एफ लगाएंगे क्योंकि प्रिंट करवाना है, तो ये प्रिंट करवा दिया हमने। अच्छा, परसेंट डी लगा रहा हूं क्योंकि इंटीजर यूज किया है, ठीक है। अगर फ्लोट यूज किया होता तो परसेंट एफ लगाते। यहां पे कॉमा देते हैं और पॉइंटर पढ़ा होगा आपने, तो यहां पे एस्ट्रिक यानी कि स्टार का सिंबल लगा करके इसको क्लोज कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है पहला, मतलब इंडेक्सिंग में जो पहला जो इंडेक्सिंग होगा इसका, यानी ए जीरो की बात कर रहे हैं तो ए जीरो में स्टोर होगा 1, तो यहां पर ये रिजल्ट 1 प्रिंट करके हमें दे देगा लाइक दिस। देखिए यहां पे इसको अब सेव करते हैं, ये सेव किया हमने, यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव कर देता हूं। अब देखिए इसको अगर मैं कंपाइल करवाता हूं तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। यहां से इसको रन करवा देता हूं तो देखिए यहां 1 प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां पर मैं क्या करता हूं ना, इसको एक ब्रैकेट में कर देता हूं और जो एस्ट्रिक यानी कि स्टार का सिंबल लगाया उसे ब्रैकेट के बाहर रखता हूं, ठीक है। और यहां पर कर देता हूं +1। अब +1 का मतलब क्या हो गया, +1 का मतलब हो गया कि जो पहली इंडेक्सिंग हुई है उससे एक आगे, यानी कि A1 की बात कर रहा है ये। आइए देखते हैं, A1 तो हो चुका है, A2 की बात कर रहा है, यानी 2 जो प्रिंट होकर आएगा उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं अगर कंपाइल करवाता हूं इसको तो ये, ओ यहां पे एक ब्रैकेट रह गया, तो यहां पे ब्रैकेट दे देते हैं और अब इसको सेव कर लेता हूं और अब इसको कंपाइल करवाते हैं। तो ये कंपाइल हो जाएगा, ये कंपाइल हो गया, अब इसको रन करवा देते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 2 आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से चेंज कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे 2 कर देता हूं तो यहां पे 3 प्रिंट होकर आएगा, देख सकते हैं आप। यहां पर इसको सेव किया, कंपाइल किया और अब रन कर रहा हूं तो यहां 3 प्रिंट होकर आ रहा है। यहां पर कहां तक लिखा है मैंने, 3 तक लिखा है। अब अगर मैं फिर इसको दोबारा से यहां से चेंज करता हूं यानी A+3 करता हूं तो 4 हो जाएगा ना। तो यहां पे अब यहां पे देखिए, यहां पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो लाइक देखिए यहां पे कंपाइल करवाए इसको, अब देखिए इसको रन करवाऊं तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, ये देख रहे हैं कुछ भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो है, इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होती है जीरो से, ओके।